দফার পরেই শেষ দফা নির্বাচন আগামী 29 এপ্রিল বৃহস্পতিবার। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সোমবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। এই শেষ দিনে তপ্ত গরমকে উপেক্ষা করে নির্বাচনী প্রচার সারল 45 নম্বর বার তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। এদিন চৌরঙ্গি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। জয় তৃণমূল কংগ্রেস, জয় মা মাটি মানুষ, জয় মমতা। তারপর তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের পশ্চিমবঙ্গকে যে তিনি সকল ভোটারদের তৃণমূল কংগ্রেসে ভোটদানে উৎসাহিত করেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলার রাজনীতিতে বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এদিন এই পথসভাতে একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বে বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করেছেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রভাত তিওয়ারি, রাজীব রায়, 45 নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি জন্মেজয় পাণ্ডে, শ্যামনারায়ণ সিং, বিজয় কুমার সিং, সুরেশ পাণ্ডে, দারা সিং সহ অন্যান্যরা। विजय कुमार सिंह, वसीम भाई जो कि बहुत ही कर्मठ नेता है दोनों और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 45 नंबर वार्ड में। हर प्रोग्राम को हम इनका देखते हैं, बहुत ही मन से काम कर रहे हैं ये दोनों युवा साथी। साथियों, मैं बात कर लूं यहां के मुख्य तीन साथियों की, क्योंकि मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिन लोगों ने यहाँ चुनाव सभा कराया था, अगर ये आवाज़ उनके कानों तक पहुँच रही हो तो एक बात बता दें कि एक बच्चा अभी थोड़ी देर पहले अपना वक्तव्य रखकर यहाँ से गया है, उसकी तुलना कैलाश विजयवर्गीय जी के भाषण से कर लो, उसकी तुलना अर्जुन सिंह के भाषण से कर लेना, तब बाकी हमारे पार्टी के बड़े नेताओं से बात करना, क्योंकि इस पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है। पश्चिम बांगला के हमें जनगण मतदाता जो जे इलाका बेचे अच्छे हमें चाहिए ममता बनर्जी की जीत, पूरे हिंदुस्तान की जीत होनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान पश्चिम बंगाल को देख रहा है, कौआ पानी में अगर नहा लेगा तो मोर थोड़ी बन जाएगा और कोई दाढ़ी बना लेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर थोड़ी बनेगा। ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल जवाब देगी। 2 मई को पूरा हरा गुलाल से पश्चिम बंगाल रंगा रंग मिलेगा। जनता हमारे साथ में है, जनता विकास के साथ में है। दीदी ने जो 11 वर्षों में यहाँ पश्चिम बंगाल में काम किया है, दीदी ममता बनर्जी जिंदाबाद का गूंज 2 मई को होगा। और मैं अभी आपके माइक्रोफोन द्वारा, आपके प्रेस मीडिया द्वारा मैं और भी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अभी तक जिनका मतदान नहीं हुआ है वो ममता बनर्जी के पक्ष में वोट दें। प्रत्याशी कहीं भी अपने इलाका में अलग अलग नाम होगा, लेकिन ये लड़ाई ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी से है। ऐसा झूठा 5 लाख का बूट पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है और सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ बोलता है। यहाँ के यहाँ इतने क्रांतिकारी मतंगनी हजरा के हम लोग सपूत हैं। ये धरती सिर्फ बलिदानियों की धरती है, ये सदैव भारत का नेतृत्व की है। जब भी इतिहास की जरूरत पड़ी है तो पश्चिम बंगाल के सदैव पे बहुत लंबा इतिहास खेला गया है, जो संग्राम के बहाने पूरे देश को आज़ादी दिलाने में पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ा हाथ है। वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जन जन की दीदी ममता बनर्जी, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।